हे ऑल सी सेक्शन मॉमीज, एक्चुअली मेरे पास काफी क्वेश्चन आए थे. मैंने एक वीडियो डाला था सी सेक्शन के बाद में कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करें. उसके बाद में मुझे काफी मैसेजेस आ रहे थे कि 3 मंथ हो गया है, 2 मंथ हो गया है, तो कैसे करें. तो मुझे लगा सबको रिप्लाई करने की बजाय मैं एक वीडियो बना देती हूँ. तो एक्चुअली मैं आपके जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले तो कब से स्टार्ट करें. तो प्लीज सेकेंड डे से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज ऐसे नहीं कि सेकेंड डे आप खड़े होके जस्ट स्टार्ट कर दिए एक्सरसाइज करना. यू हैव टू स्टार्ट वेरी लाइट स्ट्रेचिंग, हैंड्स का है, लेग्स का है, एकदम डॉक्टर भी बताते हैं कि मूवमेंट आपको करना है. और आई एक्सपीरियंस विद माई टू सेक्शन सी सेक्शन. मुझे फर्स्ट सी सेक्शन हुआ तब मेरे को 10 साल पहले था, तो सब अरे सी सेक्शन हुआ है तो मूव नहीं करना. तो मैंने काफी सफर किया था, इसीलिए सेकेंड में मैंने फर्स्ट सेकेंड डे से ही मेरा स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना, जस्ट मूवमेंट. और उसके 2 और 3 मंथ के बाद में एकदम धीरे धीरे स्ट्रेच करना स्टार्ट किया. और उसके 6 मंथ बाद में मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था, तो काफी अच्छा वर्कआउट मैं करने लग गई थी. तो बट आप हमेशा स्लो फेज से स्टार्ट करेंगे. और अगर कोई लोग मुझे पूछ रहे थे कि 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स यू कैन डू इजीली, राइट? यू हैव, बट एवरी टाइम, चाहे आपको सी सेक्शन हुआ है चाहे सी सेक्शन नहीं हुआ है, इफ यू आर अ बिगिनर यू हैव टू स्टार्ट इट इन स्लो फेज, नो जंपिंग एक्सरसाइज, बट स्लोली स्लोली अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जंपिंग भी करिए. और मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मुझे फॉलो करिए.